आप सभी, मैं डॉक्टर आनंद फिर से आज अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी मस्त हैं। और टेंटेटिव एग्जाम की डेट आ गई है। जी हाँ, एमबीए का एकेटीयू में सेकंड सेमेस्टर की टेंटेटिव एग्जाम की डेट आ गई है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, टेंटेटिव एग्जाम की डेट आ गई है। 15 जुलाई 20 जुलाई से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल टेंटेटिव डेट फिक्स्ड है कि नहीं है अभी, इसका थोड़े दिनों में आपको पता चल जाएगा। एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सभी की डिमांड है कि सर जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड कर दीजिए, इसलिए जल्दी जल्दी मैं भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन जल्दी कर रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ। सारी चीज़ें अपन डिटेल में समझेंगे, बेसिक से समझेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे जैसे जाते आए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी बनना शुरू हो गए हैं, जल्दी से जैसे ही अगर वो प्रिपेयर हो जाएंगे, एक बार वेरिफिकेशन चलेगा। आप अभी देखिए, हमने करीबन 10 पेपर के 4 सेम के अंदर बनाए थे, 9 पेपर के तो करीबन 70-80% हिट हुए, लेकिन एक पेपर का नहीं हुआ। तो वहां पे भी क्यों वो हिट नहीं हुआ, कहां पे एरर रह गई, कैसे उस पेपर का ट्रेंड सेट हुआ, उसके ऊपर अभी हमारा पूरा एनालिसिस चल रहा है। क्यों वो एचआर एनालिटिक्स का पेपर हमारे बताए हुए पेपर के एनालिसिस में क्यों नहीं आया, कहां कमी रह गई, मेरे अंदर कहां कमी रह गई, तो इसकी सारी की सारी बातें अभी एनालिसिस चल रहा है। तो मैं भी यही चाह रहा हूं कि आप तक क्वालिटी कंटेंट पहुंचे, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। अब मैं वापस बैक टू वर्क आ गया हूं, आप सबको पता ही है, आप सबकी सारी शुभेच्छाएं, वेल विशेस सब भी बहुत भर भर के मिली है, सबके डिमांड भी बहुत भर भर के मिली है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सारे वीडियो आप तक पहुंचा दिए जाए। ठीक है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, एमबीए का है सेकंड सेम का, और यूनिट फर्स्ट में आज स्टार्ट कराने वाला हूँ। कुछ न्यूमेरिकल भी हैं इसके अंदर इंक्लूड, वो भी करेंगे। इस सब्जेक्ट को भी अच्छे से समझेंगे कि ये सब्जेक्ट क्या है, कैसे इसके अंदर एमबीए का रोल आया और क्यों रोल आया। एमबीए में होता है, बीबीए में तो बीबीए ऑपरेशन मैनेजमेंट ही होता है, बीकॉम में ऑनर्स में आता है, बीटेक में भी ऑपरेशनल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट चलता है, और यूजीसी नेट में तो है ही, पीजीडीवीएम में बहुत कम देखने को मिलता है सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। हाँ, मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से स्वागत कर रहा हूँ। तो सबसे पहले, स्टार्ट करने से पहले, अपन टॉपिक का थोड़ा, सब्जेक्ट का थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, जैसे कि आप हमेशा से लेते आए हैं। तो ऑपरेशनल मैनेजमेंट होता क्या है? ऑपरेशनल, देखिए, तीन तरीके की एक्टिविटी होती है बिजनेस में। कौन सी एक्टिविटी होती है? तीन तरीके की एक्टिविटी होती है, आपको ये बात याद रखनी है। पहली एक्टिविटी होती है ऑपरेशनल एक्टिविटी, ऑपरेशनल। दूसरी एक्टिविटी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और तीसरी एक्टिविटी होती है इन्वेस्टिंग की एक्टिविटी। ठीक, अकाउंट्स में तीन तरीके की एक्टिविटी बताई गई है, कौन कौन सी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है? हर बिजनेस की सेल और परचेज होती है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है? कभी हमने कोई लोन लिया होता है, कोई लोन दिया होता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो हमारे एक्सपेंसेस रहते हैं और इनकम रहते हैं, जैसे सैलरी वेजेस, वो सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इतना सा अपन को शॉर्ट के अंदर समझना था। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब है कि ऑपरेट करना। आप मोबाइल को क्या कर रहे हैं? ऑपरेट कर रहे हैं। वीडियो गेम्स को क्या कर रहे थे? ऑपरेट कर रहे थे। कंप्यूटर को क्या करते हैं? ऑपरेट कर, यानी चलाते हैं। तो बिजनेस को जब चलाते हैं तो इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, पहली होती है सेल्स और दूसरी होती है परचेस। या अलग अलग बिजनेस में बहुत सी कंपनी पहले परचेस करने से पहले सेल कर देती है, इसलिए मैंने पहले बोला सेल्स और परचेस। जैसे कि IRCTC, अरे आपको ले जाने से पहले वो टिकट के पैसे ले लेती है, ना 1.5-2 महीने पहले पैसे ले लेती है, और टिकट तो बाद में देगी, प्रोडक्ट बाद में देगी, सर्विसेज बाद में देगी, सेल्स बाद में होगी, परचेस बाद में होगी, पहले सेल्स हो जाती है, कॉस्टिंग उनको बाद में लगेगी, पहले के पैसे आ गए। लिखा आता है बड़े बड़े टिकट में कि हम आपसे केवल 40% ही टिकट का चार्ज कर रहे हैं एक्चुअल कॉस्ट का, पर कोई ये बता सकता है कि जो 2 महीने आपने हमसे एडवांस में पैसा लिया उसका इंटरेस्ट आप हमसे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? आप उसका जो ब्याज ले रहे हैं तो वो कहाँ जा रहा है? तो क्या उसकी कोई गणना नहीं होती है? उसकी कोई नहीं होती। वो जो टिकट कैंसिलेशन का जो चार्जेस का अमाउंट जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? तो क्या हमारे पैसे अगर 40% लग रहे हैं तो क्या उसका इंटरेस्ट जो लग रहा है 6%, 7%, 8% वो कहाँ जा रहा है? उसकी कोई बात नहीं। खैर, वो अलग मुद्दा है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको समझ में आई, सेल्स और परचेज के बारे में बात चली जाती है। थोड़ा सा लाइट का फ्लक्चुएशन मैं अभी सही कर देता हूँ।
था ऑपरेटिंग एक्टिविटी के ऊपर। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी कि अपनी जो बिजनेस की डेली रूटीन की एक्टिविटी होती है सेल्स और परचेज। लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट। यहाँ पर ऑपरेशन एक्टिविटी की बात नहीं, यहाँ पर ऑपरेशंस की बात। अब जब बिजनेस के ऑपरेशन की बात होती है तो याद रखिएगा बिजनेस के ऑपरेशन में सबसे पहला ऑपरेशन कहलाता है प्रोडक्शन, और इसी को ही आपके सब्जेक्ट में ऑपरेशन बोला गया, यानी कि प्रोडक्शन इक्वल टू ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन मैनेजमेंट यानी कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट। वैसे तो इसके अंदर बहुत सारा सेल्स मैनेजमेंट भी आना चाहिए, मार्केटिंग भी आना चाहिए, फाइनेंस भी आना चाहिए, क्योंकि दीज आर द डिफरेंट एक्टिविटी। लेकिन इस सब्जेक्ट में ऑपरेशंस का मतलब केवल प्रोडक्शन लिया गया है। अब क्यों लिया गया है, क्या है उसकी मंशा, आगे अपन को इतनी डिटेल में जाना नहीं। तो बेसिकली ऑपरेशन मैनेजमेंट का मतलब क्या है, ऑपरेशन मैनेजमेंट का मतलब क्या है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब यानी कि प्रोडक्शन में क्या होगा, प्रोडक्शन इन होगा, परचेज इन होगी, है ना, परचेज इन होगा, कुछ मशीन आएगी, है ना, मशीन आएगी तो उसको रखने की कहीं जगह होगी, यहाँ रखी जाए, यहाँ रखी जाए, प्रोडक्शन का लेआउट कैसे करा जाए। आप मैकडोनल्ड में जाते हैं, मैकडोनल्ड में बर्गर खाने गए होंगे, नहीं गए हो तो मेरे कहने पे एक बार जरूर जाना, है ना, मस्त बिल मेरे नाम पे दे देना, बाकी कोई दिक्कत नहीं, अच्छा नंबर ले आना, अपन को तो बस यही चीज। तो क्या हुआ, बर्गर खाने गए मैकडोनल्ड में, आप बर्गर खाने खड़े होते हो, 2 से 3 मिनट के अंदर वो आपका ऑर्डर लाके दे देता है, जबकि आप 5 स्टार में जाओ, आप किसी भी रेस्टोरेंट पे जाओ, उसको ऑर्डर प्रिपेयर करने में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। कैसे वो इतना फास्ट कर लेता है, आपने ऑर्डर दिया और ये लीजिए आपका रेडी, कैसे उसने ऑर्डर फास्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि उसका प्लांट का लेआउट कुछ इस तरीके से है, जैसे ही आपने दिया वो काउंटर पे बिल आया और वो ऑलरेडी प्रिपेयर है उनका सामान, उन्होंने आइटम की लिस्ट कम कर रखी, बर्गर फ्रेंच फ्राइज 4-5 ही आइटम रख रखे हैं, उसी को ही वो सेल करते हैं, वही उनके प्रोमिनेंट बेसिस है, तो उनका प्लांट का लेआउट कुछ और है। तो ये उनका ऑपरेशनल मैनेजमेंट है, बेसिकली हमको ये सारी चीजें सीख ली, समझ में आ गया होगा आपको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब पहला इसके अंदर आता है प्रोडक्शन कंसेप्ट। अब क्या आता है, प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्शन कंसेप्ट और इंट्रोडक्शन मीनिंग नेचर। अब प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या है, बेसिकली भी जब हम प्रोडक्शन कंसेप्ट की बात कर रहे हैं यानी ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट इज एन एरिया ऑफ मैनेजमेंट कंसर्न विद द डिजाइनिंग एंड द कंट्रोलिंग प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। डिजाइनिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस की किस तरीके से प्लांट लगेगा, पहली मशीन कहाँ लगेगी, दूसरी मशीन कहाँ लगेगी, तीसरी मशीन कहाँ लगेगी, पैकिंग कहाँ होगी, प्रोसेस कहाँ होगा, ठीक है, एन नंबर्स ऑफ द चीज होती है। जैसे कि एक आप समझ लीजिए क्या, चिप्स की कोई फैक्ट्री, तो चिप्स की फैक्ट्री डायरेक्ट चिप्स बन जाता है, नहीं, पहले क्या आता है, पहले कहीं पे स्टोर होते हैं आलू, पहले तो खेत से आते हैं, फिर खेत से आए, फिर कहीं स्टोर हुए, फिर उनकी क्वालिटी चेक हुई, क्वालिटी चेक होने के बाद, मैं लेस के बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि उसका टेस्ट इक्वल आता है। मैकडी का एग्जांपल लेता हूँ, जो आलू जो अपन फ्रेंच फ्राइज में खा रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया में भी सेम टेस्ट है, इंडिया में भी सेम टेस्ट है, जर्मनी में भी सेम टेस्ट है, इंडिया में दिल्ली में खाओगे सेम टेस्ट है, जयपुर में खाओगे सेम टेस्ट है, इलाहाबाद में प्रयागराज में खाओगे सेम टेस्ट है। अब क्या करें, हम तो पुराने आदमी ठहरे, ठीक है, प्रयागराज में खाओगे सेम टेस्ट है, तो सब जगह टेस्ट सेम रहता है, तो कैसे रहता है, तो पहले क्या करते हैं, वो आलू फार्म से खरीदते हैं, फार्म से खरीदने के बाद उसको स्टोर करते हैं, स्टोर के बाद उसका क्वालिटी चेक होता है, क्वालिटी चेक में पास होता है, उसके बाद उन आलुओं की धुलाई होती है, पहले धुलाई भी नहीं करते, फिर धुलाई होती है, धुलाई होने के बाद फिर उनकी थोड़ी स्टीमिंग करके उनका से स्टार्च निकाल देते हैं, एक प्रोसेस है, स्टार्च निकाल देते हैं, फिर उसकी कटिंग होती है, फिर उसका स्टार्च सेकेंड टाइम फिर निकाला जाता है, 2 टाइम उसको फ्राई किया जाता है, फिर उसके बाद उसको डीप ओवन में रख के उसको सेका जाता है, मींस के थोड़ा सा उसको गर्म किया, फिर उसके बाद उसको चिप्स में भरा जाता है, और आपको पता ही है 30% आलू और 70% हवा उसके अंदर भरी जाती है ताकि वो लॉन्ग टर्म तक रहे, और अपन को वही आलू जो अपन 5 रुपये 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये किलो से किसान में ला रहे हैं होलसेल रेट में, वही आलू हमको 200 ग्राम कितने में मिलता है, 10 रुपये में मिलता है, 200 ग्राम 10 रुपये में मिल रहा है, सोचो 40 रुपये किलो में आलू मिल रहा है, और भी ज़्यादा कॉस्टिंग लग रही है उसकी, और थोड़ा सा मिर्च मसाला डाल दिया है, बाकी ये कंसेप्ट। तो इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन का एक लेआउट होगा, प्रोडक्शन की डिजाइनिंग होगी, सारी बातें मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डिटेल में अभी समझ लोगे, एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है, और पर सारी चीज़ें अभी समझ लेना जरूरी है। तो ये कौन कौन सी चीज़ें कंट्रोल करता है, एक तो कंट्रोल करता है, रीडिज़ाइन करता है, क्या, प्रोडक्शन हमारा, ठीक है, ये ऑपरेशनल मैनेजमेंट का पार्ट है, इसको ऑपरेशनल मैनेजमेंट बोला गया। अब क्या है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट फोकस ऑन अचीव द स्मूथ प्रोडक्शन प्रोसेस, किसके ऊपर फोकस करता है, स्मूथ प्रोडक्शन प्रोसेस पे, एफिशिएंट प्लानिंग कंट्रोल ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। द फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज फाइंड द परफेक्ट बैलेंस,
प्रोडक्शन मैनेजमेंट का परफेक्ट क्या है, मैक्सिमम प्रोडक्शन होना चाहिए विदाउट एनी ग्रेवियंस। तो उसी के लिए राइट क्वालिटी, कौन सी क्वालिटी में हम बना रहे हैं। अभी आलू के चिप्स पे ही पूरे के पूरे अपन, मैं कह रहा हूँ सब्जेक्ट आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं, आलू के चिप पे ले जाते हैं, लेस पे ही ले जाते हैं, है ना। राइट क्वांटिटी, राइट टाइम एंड राइट कॉस्ट। राइट टाइम का मतलब कि जितने नंबर ऑफ सप्लाई की जरूरत है उतने नंबर ऑफ सप्लाई, उतने पीरियड ऑफ सप्लाई के अंदर वो सप्लाई कंप्लीट हो जाए। क्वांटिटी उतनी ही जितनी हमको प्रोडक्शन की जरूरत है वो हो जाए, क्वालिटी वो इंप्रूवमेंट करा जाए, और कॉस्ट भी। आई होप ये चारों पॉइंट क्लियर हैं। ये बेसिक फंक्शन होते हैं ऑपरेशनल मैनेजमेंट के। प्रोडक्शन मैनेजमेंट हैज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो ऑप्टिमाइजिंग मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी विद योर करंट कैपेसिटी टू अचीव यू नीड टू फाइंड द बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ योर बिजनेस। बेस्ट कैपेसिटी लाइक क्या होता है कि मैकडोनल्ड्स की एक बहुत अच्छी पिक्चर भी आई थी, मैं नाम भूल गया अभी उसका, तो उसकी बायोग्राफी की आप पिक्चर चेक करोगे, यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, देख भी लेना, ठीक है। उसके अंदर उन्होंने बताया कि जब वो आलू के चिप्स ला रहे थे और उन्होंने जब वो बन रखे हुए थे जिसके अंदर वो आलू के चिप्स पैक हो रहा था, उसमें डिस्टेंस ज़्यादा थी, उसकी डिस्टेंस कम करी तो उनकी जो बर्गर बनने की कैपेसिटी है वो बढ़ गई। तो दैट इज द अचीव द मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर सेम कैपेसिटी, सेम लेआउट, सेम प्रोडक्शन हाउस, दैट इज द प्रोडक्शन मैनेजमेंट की रूल। आई होप क्लियर हो गया है। चार चीज के इसके मेन फंक्शन है और ये इसका एम है। जैसे कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट से पूछे कि आपका एम क्या है, तो फॉर गिविंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड अचीविंग द कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड थ्रू द कस्टमर सेटिस्फेक्शन द नंबर ऑफ सेल इंक्रीज। सो यहां पर भी वही बातें हैं, स्कोप ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। अब स्कोप क्या है, इसका कार्य क्षेत्र कहाँ है कि कहाँ कहाँ ये ऑपरेशनल मैनेजमेंट काम करता है। इसका स्कोप है, ऑपरेशन मैनेजमेंट हैज गेनिंग द इंक्रीज रिकॉग्निशन इन रिसेंट ईयर बिकॉज द फॉलोइंग रीजन। द एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट कंसेप्ट इज द सर्विस ऑपरेशन, ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ द क्वालिटी, द इंट्रोडक्शन। कौन कौन सी जगह काम आता है, एक तो सर्विस ऑपरेशन में काम आता है, ग्रोइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द क्वालिटी में काम आता है। ये स्कोप है, यानी कि अभी जो अपन ने एम फंक्शन पढ़े थे वही तो इसके स्कोप है। क्वालिटी चेक करना, टाइम का चेक करना, टाइम चेक करना, कॉस्ट, क्वालिटी, क्वांटिटी, यही तो सारी चीजें इसके स्कोप में भी है। द इंट्रोडक्शन रिस्पॉन्स मैनेजमेंट द एरिया सच एज मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्स से कोऑर्डिनेशन करना, द ऑपरेशन फंक्शन एडेड द वैल्यू एंड प्रोडक्ट, एड वैल्यू प्रोडक्ट में ऐड करना वैल्यू। वैसे तो काम क्या है ऑपरेशन मैनेजमेंट का, वैसे बेसिकली सारी एक्टिविटी करता है, मतलब कंपनी में काम क्या है उसका बेसिक काम होता है कि प्रोडक्शन देना और अच्छी क्वालिटी में देना, जो डिजायर क्वालिटी है, और वेस्टेज कम से कम करना, और यही इसका स्कोप है। क्वालिटी कंट्रोल करना, टाइम कंट्रोल करना, वेस्टेज की यहाँ पे बात नहीं है, बताओ बुक में बात नहीं है, जो प्रैक्टिकल बात है कि वेस्टेज रिड्यूस करना, आपको लिखनी है बात, याद रखना मेरे स्टूडेंट, लिख कर आना कि आनंद सर ने बताया था कि ये सारी चीजें लिखनी है। अब डिफरेंट बिटवीन, अब देखो होता तो दोनों सिमिलर ही है, प्रोडक्शन और ऑपरेशनल मैनेजमेंट होता सिमिलर ही, लेकिन बुक में डिफरेंस दे रखा है, अपन भी पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है, क्या बेसिक कंसेप्ट है, कुछ चीजें हेरिटेज फेयर है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सिमिलर ही होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस दे रखा है। क्या डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट, क्या क्या डिफरेंस होता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑपरेशनल मैनेजमेंट में। प्रोडक्शन मैनेजमेंट डील विद द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट लाइक कंप्यूटर कार ईटीसी, व्हाइल द ऑपरेशन मैनेजमेंट कवर द ब्रॉड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। यानी कि ऑपरेशनल मैनेजमेंट जो है वो सर्विसेज इंडस्ट्री भी लेगा, यानी हॉस्पिटल इंडस्ट्री, एजुकेशनल इंडस्ट्री भी लेगा, जबकि प्रोडक्शन मैनेजमेंट कुछ प्रोडक्ट के बारे में ही लेगा, ठीक है। यूजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइक कंप्यूटर आर यूटिलाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेयर सर्विसेज इज एंडलेस। सर्विसेज एंडलेस भी होती है और इमीडिएट भी होती है, यहाँ पे लिखा है टू बी कंज्यूम इमीडिएटली, जैसे कि मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ एजुकेशन की, इमीडिएट अचीव हो रहा है ना, जबकि प्रोडक्ट दिया आपको, कोई पिज्जा खाने को दिया तो अभी भी खा रहे हो, थोड़ी देर भी खा रहे हो, बच गया तो फ्रिज में रख रहे हो, कल भी खा रहे हो, दो दिन बाद भी चल रहा है, तो देट इज आउटपुट। मजा आ रही ना, आज तो मजा आ रही, बारिश गिर रही बाहर झमाझम, ठीक है। थर्ड है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क, टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट लाइक कंप्यूटर मोर द कैपिटल इक्विपमेंट लेस लेबर आर रिक्वायर्ड। प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, कैपिटल ज्यादा चाहिए और लेबर कम चाहिए, जबकि जब हम ऑपरेशनल मैनेजमेंट में चले जाते हैं तो लेबर तो ज्यादा ही चाहिए, लेबर लेस कैपिटल रिक्वायर्ड। क्यों, लेबर जो हमको ज्यादा स्किल्ड चाहिए, प्रोडक्शन में कम स्किल्ड चाहिए और यहाँ पर ज्यादा स्किल चाहिए, कुछ बात जम नहीं रही लेकिन यहाँ पर लिखा है बुक के अंदर, तो अपन मान लेते हैं, कुछ इस तरीके से समझते हैं कि एक ठेकेदार को ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होती है लेकिन एक कंप्यूटर इंजीनियर की कम रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादा कंप्यूटर इंजीनियर नहीं चाहिए, उनकी सैलरी ज्यादा चाहिए लेकिन वो कंप्यूटर इंजीनियर ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग
द प्रोडक्शन कस्टम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कस्टमर से कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता, जबकि ऑपरेशनल डिपार्टमेंट का होता है। क्यों? क्योंकि वो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर भी आ रहे हैं। अब देखो है तो सर वो सिमिलर चीजें, केवल इसमें डिस्टिंग्विश कर दिया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है वो केवल प्रोडक्ट तक सिमटा हुआ है, और ऑपरेशनल मैनेजमेंट जो है वो प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों का पार्ट है। आई होप क्लियर हो रहा होगा, बहुत इजीली मैंने सिंपल से समझा दिया। चलिए ये इसके एक डायग्राम भी आ गया, फटाक से इसको निपटा देते हैं अपन, है ना। डिफरेंस का एक डायग्राम भी बना हुआ है, चार्ट भी बना हुआ है, जल्दी से। मीनिंग दोनों का क्या है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज बिलोंग विद द क्रिएशन ऑफ द प्रोडक्ट, जबकि ऑपरेशन मैनेजमेंट गुड्स एंड सर्विसेज से बिलोंग करता है। डिसीजन मेकिंग एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्शन ओनली, और ये बिजनेस एक्टिविटी है। फाउंड एंटरप्रेन्योर वेयर प्रोडक्शन होता है जहां पे, और जहां पे काम मिलता है एजेंसीज में मिलता है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री सब जगह मिलता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? राइट क्वांटिटी एट द राइट टाइम। एक ही ऑब्जेक्टिव है, राइट क्वांटिटी एट द राइट टाइम विद द राइट क्वालिटी। और यहाँ पर क्या होता है? रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और कस्टमर सेटिस्फाइड हो। बेसिक है, ऑलरेडी अपन ने डिटेल में पहले देखा है, इसलिए वापस से यहाँ वीडियो लंबा नहीं करना चाहता। अब नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी। क्या डिफरेंस दिया है पीछे? नहीं दिया, चलो अगर दिया होगा तो बाद में आ जाएगा। अब देयर इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। तो चलिए यहाँ तक अपन नए टॉपिक से शुरू करेंगे सेकंड पार्ट में, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे लाइट का फ्लक्चुएशन है, इसलिए माफी चाहूंगा। सेकंड पार्ट के अंदर यहीं से कवर अप करेंगे और जल्दी ये वाला फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करेंगे। जरूर बताइएगा कि ये छोटा सा वीडियो 15-16 मिनट का आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। बेसिक मीनिंग बताया मैंने प्रोडक्शन का, ऑपरेशन और प्रोडक्शन के, प्रोडक्शन मैनेजमेंट में डिफरेंस बताया, समझ में आया ना। एक क्वेश्चन तो बन गया ना, ईमानदारी से बता, है ना। थैंक यू।